गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी फैमिली पेपिलिनियस के करेक्टर्स मैंने आपको बताए थे, उसमें एक फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल फार्मूला लिख करके मैंने आपको समझाया था। आज अपन बात कर रहे हैं इस फैमिली की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, यानी इसके जो प्लांट्स हैं उनका आर्थिक महत्व कैसा है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, इस फैमिली के बहुत सारे प्लांट्स हैं जो डिफरेंट यूजेज में आते हैं, अलग अलग कार्यों के अंदर या कामों को यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए डिफरेंट जो यूज हैं इसके, इनमें पहले आप देखिए पल्सेस, यानी वो प्लांट्स जिनके सीड्स हैं वो हम किसके रूप में पल्सेस या दालों के रूप में हम इनको यूटिलाइज करते हैं। तो इनमें आप देखिए मुख्य जो प्लांट्स जिनके सीड्स जो हैं वो पल्सेस के रूप में काम आते हैं, इनमें आप देखिए विग्ना मोंगो जिसको हम बोलते हैं ब्लैक ग्राम या उड़द जिसको कहा जाता है, दूसरा है विग्ना रेडिएटा मूंग, तीसरा है विग्ना एकोनिटिफोलियम मॉथ जिसको हम बोलते हैं वो इसके अंदर है, फिर है विग्ना एंगुइपुलेटा लोबिया। तो ये चार विग्ना जो जीनस है इसकी ये चार डिफरेंट स्पीसीज हैं जिनके सीड्स जो है वो किसके रूप में काम आते हैं, पल्सेस के रूप में इनको काम में लिया जाता है। उसके बाद आप देखिए साइसर एरेटिनम चना, फिर कैजेंस कैजन अरहर, फिर आप देखिए लेंस इसके अंदर कुलिनेरिस मसूर, फेसियोलस वल्गेरिस राजमा, फिर इसके अंदर ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन और लेथाइरस सटाइवस इसको बोलते हैं खेसारी दाल, जो कि एक प्रकार से किस प्रकार की है, ये हार्मफुल प्रकार की ये होती है। तो इस प्रकार से आप देखिए ये डिफरेंट जो प्लांट्स हैं इनके जो सीड्स हैं उनको हम पल्सेस के रूप में या दालों के रूप में हम इनको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, इनको हम काम में लेते हैं। इसके बाद आप देखिए वेजिटेबल्स के रूप में, यानी वेजिटेबल्स के रूप में हम किन को काम में लेते हैं, पहला आप देखिए ट्राइकोनेला फोनियम ग्रेसिका, ये है मेथी, मेथी जो है वो इसको हम इनके सीड्स भी काम में लेते हैं और ग्रीन जो लीव्स वगैरह हैं उनको भी हम किसमें वेजिटेबल्स के रूप में इसको काम में लेते हैं। फिर आप देखिए साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा, यानी ये कौन सा हो गया गवार, तो गवार के जो सीड्स हैं वो हम पशुओं को खिलाने के अंदर काम में लेते हैं, लेकिन इनका जो फ्रूट्स है जो लेग्यूम्स है उनको सब्जियों के रूप में भी इनको काम में लिया जाता है। फिर आप देखिए विसिया फाबा, इसको हम बोलते हैं बाटला, ये भी वेजिटेबल्स के रूप में काम आता है। फिर आप देखिए पाइसम सटाइवम मटर, फिर है फेसियोलस वल्गेरिस। तो इस प्रकार से ये जो प्लांट्स हैं इनके चाहे सीड्स हैं चाहे इनके फ्रूट्स हैं उनको हम किस रूप में काम में लेते हैं, वेजिटेबल्स के रूप में इनको यूटिलाइज किया जाता है। फिर आप देखिए कुछ जो प्लांट्स हैं उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, ऑयल प्राप्त होता है, जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है। तो इनमें मुख्य रूप से आप देखिए एरेटिस हाइपोजिया मूंगफली, फिर है ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन, और फिर है ये पोंगेनिया पिनेटा क्रंच, क्रंच का तेल भी यूटिलाइज होता है। तो इस प्रकार से आप देखिए जो क्रंच का जो ऑयल है इसको जनरली सॉप वगैरह या साबुन वगैरह बनाने के अंदर इसको काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से आप देखिए इनमें से कुछ प्लांट्स हैं जिनको इंसेक्टिसाइड्स के रूप में भी यूटिलाइज किया जाता है, इनमें आप देखिए डेलिस पिनेटा है, डेलिस एलेक्टिका है, फिर है टेफ्रोसिया वोगेली। तो टेफ्रोसिया वोगेली इससे रोटेंटॉन ये कीटनाशक जो इसके द्वारा प्राप्त होता है और इसको काम में लिया जाता है। और इसके बाद आप देखिए फोडर के रूप में, फोडर मीन्स यहाँ पर चारे के रूप में कुछ जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स वगैरह हैं या उनके स्टेम जो पार्ट हैं उनको भी हम क्या करते हैं, फोडर के रूप में इनको काम में लेते हैं। तो इसमें आप देखिए पहला है मेडिकागो सटाइवा जिसको हम रिज़का बोलते हैं, तो ये हरे चारे के रूप में पशुओं को खिलाने के काम आता है। फिर है मेलिलोटस पार्विफ्लोरा, ये आपने स्टूडेंट्स खेतों के अंदर देखा होगा, मुरैला जिसको हम बोलते हैं या मुरैला जिसको हम बोलते हैं, तो इसको भी पशुओं को खिलाने के लिए काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा, गवार के जो सीड्स हैं या गवार है वो भी हम पशुओं को फॉडर के रूप में इसको काम में लिया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे
कुछ जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स से हमें क्या प्राप्त होते हैं, फाइबर्स जो है वो हमें प्राप्त होते हैं, रेशे जो है वो हमें प्राप्त होते हैं। इनमें मुख्य रूप से आप देखेंगे क्रोटोलेरिया जुन्सिया जिसको हम सन हेम्प बोलते हैं, फिर है सेसबेनिया सेसबेन, ये जयंती पौधा है, इसके भी जो फाइबर्स हैं वो काम में लिए जाते हैं। फिर है सेसबेनिया बिस्पिनोसा, ये भी फाइबर्स के रूप में काम आते हैं। और एक ये प्लांट आप देखिए ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो प्लांट है ये हम किसको बोलते हैं, धात का जो पौधा होता है उसका बॉटनिकल नेम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो ये जो प्लांट है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसके जो फ्लावर है ये फ्लावर बहुत ही कलरफुल आते हैं, और जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो जहाँ पर ये ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर जो है इस प्रकार से लगता है जैसे फायर लगी हुई है, तो इसको फायर भी फायर ऑफ जंगल भी इसको कहा जाता है। तो ये जो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है इसके जो फाइबर्स हैं वो भी रस्सियाँ वगैरह बनाने के अंदर इसको काम में लेते हैं। इसके बाद कुछ प्लांट्स हैं जिनके द्वारा हमें क्या प्राप्त होती है, डाइज, रंग जो है वो हमें प्राप्त होता है। इनमें मुख्य जो प्लांट है वो है इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया। तो इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया जो प्लांट है इस प्लांट से हमें क्या प्राप्त होती है, नील प्राप्त होती है, किससे, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया के द्वारा। फिर ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इससे भी ऑरेंज रेड, इसका जो फ्लावर है उससे ऑरेंज रेड कलर जो है वो इनके द्वारा बनाया जाता है घाक के द्वारा। फिर है टेरोकार्पस सेंटेलिनस, तो टेरोकार्पस ये कौन सा हो गया, चंदन, जो रेड चंदन है, लाल चंदन जिसको हम बोलते हैं, तो इसकी जो हार्टवुड है उस हार्टवुड से रेड कलर जो है वो प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में कुछ प्लांट्स जिनके द्वारा हमें क्या प्राप्त होते हैं, टिम्बर मीन्स वुड प्राप्त होती है, और उस वुड को हम फर्नीचर वगैरह है या बिल्डिंग्स के अंदर जो गेट वगैरह हैं उनको बनाने के अंदर इसको काम में लिया जाता है। तो इनमें मुख्य रूप से आप देखिए डलबर्जिया सिसु, तो डलबर्जिया सिसु स्टूडेंट्स आप जानते हैं कौन सा, सीसम का जो प्लांट है, तो सीसम की जो लकड़ी है वो काफ़ी यूजफुल होती है। इसी प्रकार से इसकी दूसरी जो स्पीसीज है डलबर्जिया लेटिफोलिया है, फिर है डलबर्जिया मेलेनो जाइलो, इसको अफ्रीकन ब्लैक वुड कहा जाता है, इसकी वुड भी काफ़ी कॉस्टली और अच्छी क्वालिटी की वुड जो है वो इससे प्राप्त होती है। इसी प्रकार से टेरोकार्पस मार्सुपियम है, इस प्लांट की वुड भी टिम्बर के रूप में जो है इनको काम में लेते हैं। तो छोटे प्रकार के जो बॉक्सेस वगैरह हैं या सुगंधित प्रकार के जो बॉक्सेस वगैरह हैं वो बनाए जाते हैं इससे। तो इस प्रकार से आप देखिए डाइस के रूप में काम आते हैं और टिम्बर के रूप में काम आते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कुछ जो प्लांट्स हैं उन प्लांट से हमें मेडिसिन प्राप्त होती हैं, दवाइयाँ जो है वो प्राप्त होती हैं। इनमें आप देखिए पहला है ग्लाइसोराइजा ग्लेब्रा, तो ग्लाइसोराइजा ग्लेब्रा जो है वो क्या है, मुलेठी। तो जनरली आपने देखा होगा जब भी गले में खराश होती है तो उसके अंदर मुलेठी को काम में लिया जाता है, उनका जो वुड पार्ट है मुलेठी का वो इसके अंदर काम में लिया जाता है। फिर है आप देखिए एब्रेस प्रिकेटोरियम, तो एब्रेस प्रिकेटोरियम किसका नाम है, चीरमी का। तो ये जो प्लांट है इसकी भी जो है इसके अंदर काम में लिया जाता है, डिजीज के अंदर इसको काम में लिया जाता है। और स्टूडेंट आप जानते हैं कि इसके जो सीड हैं ये सीड एक पर्टिकुलर साइज के होते हैं और उनमें एक पर्टिकुलर वेट होता है। तो पहले के ज़माने में जो सुनार होते थे जो सोने चांदी का काम करते थे तो वो इनके सीड्स को तोलने के रूप में काम में लेते थे, यानी वेइंग के रूप में इनको काम में लिया जाता। तो इसका जो सीड है 1.75 ग्राम का होता है पर्टिकुलर, यानी इनके जो सीड्स हैं वो इसी साइज के होते हैं, इनको रट्टी भी बोलते थे। तो इनके सीड्स को जो है वो काम में लिया जाता था। इसके बाद देखिए आप इसके अंदर डोलिकोस बाइफ्लोरस है, इसको कुल्पी कहा जाता है। तो इसके जो प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उसको ल्यूकोरिया डिजीज के अंदर इसको यूटिलाइज किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं इस फैमिली के उनको हम ऑर्नामेंटल या सजावटी पादपों के रूप में भी हम इनको यूटिलाइज करते हैं, काम में लेते हैं, जैसे लेथायरस ओडोरेटस हो गया, फिर ये हो गया इरिथ्रिना इंडिका, इसको कहा जाता है परिजा, आजकल आपने खूब नाम सुना होगा,
इस प्लांट को मेडिसिन के रूप में भी काम में लेते हैं और सजावटी प्लांट के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से क्लाइटोरिया टेरनेटा, इसको बोलते हैं अपराजिता। तो क्लाइटोरिया टेरनेटा जो है, इसके जो फ्लावर है वो ब्लू कलर के बहुत ही सुंदर फ्लावर जो है वो इसके अंदर आते हैं, तो इसको भी यूटिलाइज किया जाता है। फिर आप देखिए इसके अंदर डेस्मोडियम गायरेंस, तो डेस्मोडियम गायरेंस है इसको, टेलीग्राफिक प्लांट भी इसको कहा जाता है और इसको भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में इसको काम में लिया जाता है। और फिर इसके अंदर सेस्बेनिया ग्रैंडीफ्लोरा, इसको बोलते हैं अगस्ते। तो इस प्रकार से आप देखिए ऑर्नामेंटल के रूप में भी ये प्लांट्स काम में लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। आपने देखा पल्सेस के रूप में, वेजिटेबल्स के रूप में, ऑयल्स के रूप में, इंसेक्टिसाइड्स के रूप में, फॉडर के रूप में, फाइबर के रूप में, डाइस के रूप में, टिम्बर के रूप में, मेडिसिन के रूप में और ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में। तो स्टूडेंट्स कई बार इनके अंदर बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनमें कॉमन जो नेम है वो देकर के उसका बॉटनिकल नेम पूछा जाता है। तो जो नाम प्रचलन के अंदर हैं उनके वनस्पतिक नाम जो है वो एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको सही तरीके से और सही ढंग से आप इनको तैयार करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट, थैंक यू।